सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा एक जिसमें एक शिवसैनिक ने चार फोटो डालते हुए लिखा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की टीम से वर्ली विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए। जिस फोटो में एक व्यक्ति नजर आ रहा है शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के साथ, वहीं इस वायरल फोटो का सच कुछ और ही है, जिसकी जानकारी मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई महामंत्री अर्जुन मेघे ने दिया। उनका कहना है, जिस व्यक्ति को वर्ली अध्यक्ष बताया जा रहा है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वर्ली अध्यक्ष ही नहीं है, क्योंकि वर्ली अध्यक्ष मदन गुप्ता हैं। सर, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें शिवसेना दावा कर रही है कि बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको ही क्लियर करने के लिए आज हम मिले आपसे। जो सोशल मीडिया में गलत बात जो हो रही है उसमें हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि बीजेपी से कोई भी ठाकरे सेना में अभी तक गया नहीं है। जो भी प्रतिक्रिया जो शिवसैनिकों ने सोशल मीडिया पे या उनके पदाधिकारियों ने जो सोशल मीडिया पे डाली है वो सरासर गलत है, झूठ है। हमारे वर्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष है युवा मोर्चा के एडवोकेट मदन गुप्ता जी, उनसे मेरी कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई है। मैं खुद युवा मोर्चा का मुंबई का सरचिटनेस हूँ और मुझे वर्ली और दक्षिण मुंबई का प्रभार दिया है संभालने के लिए। तो इस वजह से मैं दक्षिण मुंबई के जिला अध्यक्ष सनी सानप जी से और वर्ली के जो विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट मदन गुप्ता जी से हर रोज़ हमारी बात होती रहती है। और इतना हमें पता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पंतप्रधान हैं उनके नेतृत्व में बाहर से लोग हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जैसे हमारे जो नेता है उनको देखकर और उनके नेतृत्व में बाहर से जो बाहर के पार्टी से लोग हमको जुड़ते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पे शिवसेना और ठाकरे सेना वालों ने जो डाली है वो सरासर गलत है और झूठ है। इसको क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। इस तरीके से मतलब सोशल मीडिया फैल रहा है तो इसके आगे क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करना चाहेंगे? जो अभी तक हमने हमारे जो वरिष्ठ है उनके सामने ये जो इशू हुआ है उनके सामने हमने इशू डाला है। अब जो डिसीजन और जो भी कार्रवाई लेना है वो हमारे जो वरिष्ठ है वो ये उसके ऊपर आगे के पॉल ले लेंगे। वो खबर झूठी फैलाई जा रही है? 100% झूठी फैलाई गई है, 100% ऐसा। हमारे संगठन में वर्ली के भी संगठन में जो भी लोग गए वो हम उनको पहचानते ही नहीं है, हमको उनका नाम तक भी पता नहीं है। झूठी प्रतिक्रिया दी गई है सोशल मीडिया पे और ये देखकर हमारे पार्टी का और हमारे वर्ली के जो संगठन जो बहुत मजबूती से चलता है उस पर तुमने एक इंसल्ट किया है। हमको यही क्लियर करने का है कि हमारे तरफ से और वर्ली में जो संगठन चल रही है वहाँ से वो युवा मोर्चा की जो संगठन वर्ली में चल रही है वहाँ से कोई भी ठाकरे सेना में मिला हुआ नहीं है। सर, जिस तरह से जो है फैलाया जा रहा है काफ़ी झूठी खबर, तो इस पर क्या किसी की साजिश है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने अभी देखा है पिछले एक दो महीने में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो शिवसेना थी वहाँ से लोगों ने एक नया गट शिंदे साहब को समर्थन देके एक नया गट भी तैयार किया है और वो गट अब हमारे बीजेपी के साथ ही है। तो ये जो खबर वो इनसिक्योरिटी आप बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, जो पदाधिकारी है वो जो पदाधिकारियों ने जो सरासर झूठ बोला है सोशल मीडिया पे उसको हम आज क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष है उनका नाम तो एडवोकेट मदन गुप्ता है, वो तो अभी भी बीजेपी में, उन्होंने भी ये पोस्ट देखकर खुद उन्होंने एक पोस्ट किया है कि मैं बीजेपी का लॉयलिस्ट हूँ। ये बात तो और आप जो भी आप चेक कर सकते हो पिछले एक दो सालों से तीन सालों से मदन गुप्ता जी ही हमारे वर्ली विधानसभा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं।